हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, लीफ। लीफ जैसे कि लीफ को बोलते हैं पत्तियाँ। अब आप सोचते होगे ये लीफ के बारे में क्यों पढ़ा रही, क्योंकि लीफ भी टू टाइप्स की होती है। एक होती है ब्रॉड लीफ और एक होती है नैरो लीफ। तो जो ब्रॉड लीफ होती है और नैरो लीफ होती है, अब इसकी पहचान क्या होती है? आप सोचते हो यार ऐसा भी होता है कि ब्रॉड लीफ होती है और नैरो लीफ होती है? अगर एग्रीकल्चर वाला होगा तो उसको ज़रूर पता होगा, क्योंकि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं तो उनमें डाइकॉट लीफ होती हैं, और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें मोनोकॉट लीफ होती है। अब इसकी पहचानने की एक क्रिया है, आप ब्रॉड लीफ को देखोगे तो आपको ब्रॉड दिखेगी, लेकिन नैरो जो लीफ होती है उसमें पैरेलल लाइन जाती हैं। जैसे कि गन्ने को देखा होगा, पैरेलल लाइन जाती होंगी, गेहूँ के देखा होगा पैरेलल लाइन जाती हों। तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि जो ब्रॉड लीफ होती है वो डाइकॉट लीफ में होगी और जो नैरो लीफ होती है वो मोनोकॉट लीफ होती है, ठीक है। देन फर्स्ट पॉइंट इज अवर कि डॉर्सी बेंटल लीफ होती है, डॉर्सी बेंटल। अब डॉर्सी बेंटल से आप क्या समझते हो, डीप। अब मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, ध्यान से समझना, मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, ठीक है, जो आपको शायद समझ में आ जाएगी। आपन को क्या बोला उसने, डी, और सेकंड डी की बात आती है तो हमने ये डी बना लिया ना डी। ये डी बोल रहा है, यहाँ पर है डॉर्सी बेंटल, वी आ रहा है तो अपन ने यहाँ पे क्या बना दिया, वी बना दिया, ठीक है। डॉर्सी का मतलब डी, ये क्या बन गई, एक आइसक्रीम होती है, एक चम्मच से खा रहा है। तो आपको पता है कि डॉर्सी मतलब ये आइसक्रीम टाइप की बन गई डी, और ये वी। डॉर्सी बेंट्रल मतलब कि डी हमेशा ऊपर रहता है, ये याद रखना। तो एक बात आपको पता चल गई है कि डॉर्सी बेंट्रल बोला मतलब कि ये ब्रॉड लीफ होता है, और आइसो वायलेटरल मतलब कि जो पत्ती होती है, आइसो मतलब एक जैसी, वायलेटरल मतलब दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी जो पत्ती हो वो होती है आइसो वायलेटरल, ओके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चिप्पी, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रासेस और सीरियल। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो डायकॉट लीफ्स होती है उसमें ही आपको डॉर्सी बेंटल मिलेगी, और जो मोनोकॉट लीफ्स होती है उसमें आपको बायलेटरल मिलेगी, ओके। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट वीडियो में आपको देखने को मिलते हैं, वो कुछ एलिमेंट्स के बारे में, जैसे कि पोटास। पोटास का क्या मेन रोल होता है, पोटास का मेन रोल होता है कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट पॉइंट है फूड टॉप टू बॉटम, खाने को ऊपर से नीचे लाना, पत्तियों से लाता है ना नीचे। एक होता है मैग्नीशियम क्लोरोफिल एडिशन ऑफ दी राइबोसोम का करता है। देन मैग्नीज का मेन काम होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ना। जब पानी को मैग्नीज तोड़ता है तो क्या होता है, H2O में से जब पानी को तोड़ता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जिसको फोटोसिंथेसिस में ये क्रिया होती है। कैल्शियम सेल वॉल में पाया जाता है, फॉस्फोरस ATP का मेन रोल होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, सो एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट मी, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, या आपको लगता है कि नेक्स्ट टॉपिक इस टॉपिक पर होना चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।